दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए डीआरडीओ की सीधी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डीआरडीओ की ओर से नया विज्ञापन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 29 सितम्बर 2023 है। इस भर्ती के लिए आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। सैलरी यहाँ पर 67,700 है प्रति माह के लिए। इस भर्ती के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं डीआरडीओ सीधी भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अंतर्गत यहाँ पर यह भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें साइंटिस्ट बी की। यहाँ पर आप देख सकते हो साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है डीआरडीओ के अंतर्गत, और साइंटिस्ट बी डीएसटी के अंतर्गत, साइंटिस्ट या इंजीनियर बी की पोस्ट एडीए के अंतर्गत, और साइंटिस्ट बी की पोस्ट सीएमई के अंतर्गत भी निकली है। बात अगर वैकेंसीज डिटेल की जाए तो टोटल 204 वैकेंसीज निकली है। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से ही चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 29 सितम्बर 2023 है। सैलरी 67,700 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30, 33, 35, 37 और 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर यहां पर इसमें बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है। गेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। rac.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में बाकी की जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट ind.sarkari.nokri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक का ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डेट एक्सटेंडेड नोटिस दी गई है, साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक है। यहाँ पर इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका लास्ट डेट एक्सटेंडेड का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इस भर्ती की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर 31 अगस्त थी लास्ट डेट आवेदन करने की, अब उसको यहाँ पर 29 सितंबर कर दिया गया है। यहाँ से आप ये वैकेंसीज की डिटेल चेकआउट कर सकते हो, और उसके बाद में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके इसकी ऑफिशियल पीडीएफ रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हो, जो डीआरडीओ के अंतर्गत साइंटिस्ट बी की पोस्ट है 181 है, और डीएसटी के अंतर्गत 11 है, यहाँ पर एडीए के लिए 6 है, और यहाँ पर सीएमई के लिए भी 6 वैकेंसीज है। यहाँ पर 145 नंबर का ये नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है। एज लिमिट की डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए, क्वालिफिकेशन की डिटेल और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसमें वीडियो में साथ ही साथ इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप पूरी पीडीएफ रीड कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इस भर्ती के लिए लॉग इन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन करके भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। आरएसी की डीआरडीओ आरएसी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सेंटर में आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 145 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, उसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है 29 सितंबर कर दी गई है, जो पहले 31 अगस्त थी। यहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ राइट साइड से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये एप्लीकेशन परफॉर्मा आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।